हेलो बच्चों, आज क्लास 10th का पेपर हो गया बच्चों। और पेपर जहाँ तक अच्छा ही आया है बच्चों, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते हैं कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया, नॉर्मल पेपर आया है और ज़्यादा सिंपल भी नहीं आया है। ठीक है, आज मेरे हाथ में जो सेट टू है तो मैं आज सेट टू को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सेट टू जिन बच्चों में आया सब बच्चे देख ले ध्यान से सेट टू में। और जहाँ तक ये क्वेश्चन सब सेटों में मिलते जुलते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंट हैं। ठीक है, सेट टू आज लगवा दे रहा हूँ, सेट वन सेट थ्री जो बाकी बचे हुए सेट है वो मैं कल लगवा दूंगा। ठीक है, तो चालू करते हैं एमसीक्यू से। ठीक है, सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन का पेपर का कोड क्या है, 30/1/2 और सेट क्या है बच्चों, 2। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे जिनका सेट 2 आया तो प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए और अपना अपना मैच करा लीजिए किसका सही है किसका गलत है। तो पहले चालू करते हैं एमसीक्यू सेक्शन ए से बच्चों। सेक्शन ए में एमसीक्यू दे तो पहला क्वेश्चन लिखा है, इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 3.6 एंड बी -12.-3। ये लिखा है किस रेशियो में डिवाइड करेगा x एक्सिस। अच्छा, x से डिवाइड होने का मतलब है बाई x एक्सिस से, बाई x एक्सिस से। तो y जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और लेट रेशियो जो हम लोग रेशियो लेट करेंगे वो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या रेशियो लेट करते हैं, के रेशियो 1। ठीक है, तो y इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अच्छा, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, y कितना है 0, m1 कितना है k और y2 कितना है y2 x1 y1 x2 y2। तो y2 है -3 प्लस m2 कितना है, m2 है 1 और y1 कितना है 6 अपॉन में k+1। क्रॉस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये -3k और प्लस का 6। 3k उस साइड कर देंगे तो 3k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। दैट मीन्स k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। तो दैट मीन्स 2:1, क्योंकि नीचे कुछ है नहीं तो 1 मान लिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर पहले का बच्चों। ठीक है, 2:1 राइट है ना, समझ में आ रहा सब बच्चों को। तो सब बच्चे मैच कराते रहिए। ठीक है, ये जल्दी से भी लग सकता था, चाहते तो आप जल्दी लगा सकते थे क्योंकि k प्लस 1 भेज के -3k+6 मतलब कि 2 आएगा और 2:1 बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, इन द गिवन फिगर PQ इज द टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट O एंड एंगल AOB इज 95, देन मेजर ऑफ ABQ। देख लीजिए बच्चों, ये है इस टाइप से कुछ। ठीक है, और ये और ये, यहाँ O है, यहाँ शायद A है, A है और B है और हम लोग को ये पूछा यहाँ पे Q है ना, ABQ हम लोग से पूछा है बच्चों। यहाँ पर दे रखा है हम लोग को 95। ठीक है, 95 है तो इसका आंसर क्या होगा, देख लीजिए बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग को मालूम होगा कि ये दोनों साइडें इक्वल होती हैं तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आप लोग इसको क्या मान लेंगे, एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स। तो एक्स प्लस एक्स और प्लस 95 इज इक्वल टू 180। तो बताइए 2x इज इक्वल टू 180 माइनस का 95। 2x इज इक्वल टू 10 में 5 गया 5 और 17 में 9 गया बच्चों 8। ठीक है, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 और यहाँ पे 2 2 जा 4.5 42.5। ठीक है, ये आ गया 42.5, ये होता पूरा 90, होता है बच्चों 90। तो इसीलिए देयर फोर ए बी क्यू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 42.5। तो कितना बचेगा, 0.5, तो बच जाएगा यहाँ पे 10 में 5 जाएगा 5.0 मान लीजिए, यहाँ बचा 9 9 में 2 गया 7 और 8 8 में 4 गया 4, 47.5 आंसर आएगा जो कि है ए वाला ऑप्शन। इस पर 42.5 भी दे रखा है तो वो बच्चे को ये लगा दिया हो, है ना। इसका आंसर जो सही है वो बी वाला सही है बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, बस आप लोग ये ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। आप लोगों को मालूम होगा कि ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होता है बाय द अल्टरनेट सेगमेंट से। तो ये 95 है तो ये इसका हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 47.5, दैट मीन्स 47.5 ही हो जाएगा। राइट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ पे, ये मैंने थोड़ा सॉल्व कर दिया है आपको बताने के लिए। लेकिन डायरेक्ट कैसे करेंगे, 95 है तो कितना हो जाएगा 47.5, ये इसका हाफ होता है ना, तो ये 47.5 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 47.5 बाय द अल्टरनेट सेगमेंट से। बच्चों मालूम होगा कि एक सर्कल में अगर ट्राइंगल बना है
और ट्राइंगल के किसी पॉइंट से एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो वो टेंजेंट जो होता है इस एंगल की क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब उस लाइन को छोड़कर जो अदर लाइन जा रही है उस एंगल की क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड पे चलते हैं बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। टू टेन ए इक्वल टू थ्री दे रखा है, तो हमसे पूछा है क्या, फोर साइन ए प्लस थ्री कॉस ए अपॉन में फोर साइन ए माइनस थ्री कॉस ए, है ना। तो इसमें बहुत बच्चों ने टाइम वेस्ट कर दिया होगा, मैं लगता है वाकई में टाइम वेस्ट किया होगा इसमें। आप लोग कुछ करना ज़्यादा था नहीं खास में। टेन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, थ्री अपॉन टू, और क्या है टेन ए जो होता है एक्चुअली में साइन अपॉन कॉस होता है। हम लोग क्या कर देंगे, सब में कॉस का डिवाइड कर देंगे, साइन ए अपॉन में कॉस ए सब में डिवाइड करेंगे, थ्री कॉस ए अपॉन में कॉस ए और फोर साइन ए अपॉन में कॉस ए माइनस थ्री कॉस ए अपॉन में कॉस ए। तो ये क्या बन जाएगा, फोर टेन ए बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा थ्री, ये फोर टेन ए, ये क्या बन जाएगा माइनस का थ्री। अब टेन ए की वैल्यू पुट करिए, फोर इंटू टेन ए की वैल्यू क्या है, थ्री अपॉन टू प्लस थ्री, फोर इंटू थ्री अपॉन टू माइनस थ्री, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर सिक्स, टू थ्री जा सिक्स और सिक्स प्लस थ्री नाइन, और टू थ्री जा सिक्स, सिक्स में थ्री जाएगा थ्री, थ्री से काट देंगे तो थ्री थ्री जा नाइन, इसका आंसर कितना आएगा थ्री। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, सी पे कितना है थ्री लिखा हुआ है, राइट है ना, समझ आ गया। थ्री टू जा सिक्स और प्लस थ्री नाइन आएगा, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स में थ्री जाएगा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन। तो थर्ड का बच्चों कौन सा, सी वाला सही है। तो फर्स्ट का हो गया डी, सेकेंड का हो गया बी और थर्ड का हो गया सी। चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल फाइव कांट स्विम, तो पीपल कितने हैं बच्चों, 20, कांट स्विम तैर नहीं सकते हैं बच्चों, कितने लोग, पांच लोग। स्विम कितने लोग कर सकते हैं भाई, पांच लोग अगर नहीं तैर सकते, 15 लोग ऐसे होंगे जो कि तैर सकते हैं। तो इफ वन पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम दैट देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही या सी कैन स्विम, स्विम की पूछा तो मतलब क्या हो जाएगा, 15 अपॉन में 20, क्योंकि पूछ किसके रहा, स्विम की पूछ रहा है, कांट स्विम की नहीं पूछ रहा है, स्विम जो तैर सकता है। तो क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 4, 5 जा 15, 5 4 जा 20, 3 बाई 4, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका, फोर्थ का ए सही है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय 80 स्टूडेंट्स ऑन अ टेस्ट, तो यहां पे देखिए ध्यान से क्वेश्चन, ये अच्छा है, यहां पे लिखा है लेस देन 10, फिर लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन कहां तक है 60 तक, लेस देन 60, और ये है 3 12, 27 और 37, 37 सॉरी 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 37, 50 नहीं 27, 3 12, 27, 57, 75 और 80। सबसे पहले तो ये मार्क्स लिखे हुए हैं, और ये क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे पहले तो सीआई को हम लोग को सही करना पड़ेगा, सीआई कैसे लिखेंगे, लेस देन 10 का मतलब है कि 0 से लेके 10 भाई, क्योंकि मार्क्स नेगेटिव तो आने सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पे 0 से लेके 10 तक लिखेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे 0 से लेके 10, फिर 10 से लेके 20, फिर 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50 और 50 से लेके 60। और ये जब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस देन 3 है तो मतलब इट इज अ, जब ये लेस देन होता है तो इट इज अ सी एफ, मतलब कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इससे एफ कैसे निकालते हैं हम लोग, एफ निकालने के लिए हम लोग पहले तो सेम लिखेंगे, फिर 12 में 3 माइनस कर देंगे, है ना, ऊपर वाला माइनस करते रहते हैं 9, मतलब ये देखो ना लेस देन 20 में 12 बच्चे हैं और हमें लेने हैं 10 से 20, तो 10 से 20 का मतलब जो 3 वाले बच्चे हैं वो उनको हटाना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से 27 में 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 7 में 2 हो जाएगा 5, 2 में बन जाएगा 115, 57 में 27, 0 5 में 2 गया 5,
5 में 2 जाएगा 3, 30 बचेगा। फिर 75 माइनस का 57, 15 में 7 गया 8, 6 में 5 गया 1, ठीक है बच्चों। और 80 में कितना जाएगा 75, कितना बचेगा 5। अब हमसे पूछ रहा है क्या मॉडल क्लास बताना है। मॉडल मतलब क्या होता है, सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखी जाए तो ये 30 की हाईएस्ट है, तो इसके सामने कौन सा मॉडल क्लास आ रहा है बच्चों, 30 से 40। तो 30 से 40 मतलब कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। समझ आया बच्चों को, जो हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें से, 30, तो ये मॉडल क्लास होगा 30 से 40, राइट है। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th, 5th का कौन सा सही है, सी वाला सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हैविंग हाइट, हाइट इज 24 एंड रेडियस इज 7। तो भाई कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर एल, लेकिन यहां पे एल हम लोग को पता नहीं, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है, एच है 24 का स्क्वायर और आर कितना है 7 का स्क्वायर, 576 प्लस का 49 और दैट मीन्स 625 मतलब 25। तो L इक्वल टू कितना आ गया 25, दैट मीन्स सी एस ए जो होता है वो क्या होता है पाई आर एल, पाई का मतलब 22/7 होता है, R की जगह 7 और L जो है वो है 25। तो 7 कट जाएगा, तो ये 25 टू जो 50 और 25 टू जो 50 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सी ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है। कौन सही है बच्चों, 6 का सी सही है, ठीक है, 6 का सी सही है 550, ठीक है 550 सॉरी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा था एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर के एंड पॉइंट है, जैसे डायमीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट है 2.4 एंड -3, -1। तो द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है ना, तो सीधे सीधे आप इसकी डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस होना मालूम होगा ना सब बच्चों को, अंडर रूट के अंदर क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मतलब क्या है यहाँ पर, -3, x1 का मतलब 2 है, x1 y1, x2 y2, और y2 का मतलब क्या है -1 और y1 का मतलब है 4। -3 - 2 यहाँ होल स्क्वायर लगेगा, -3 - 2 क्या हो -5 और स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 है ना। -5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, -, प्लस तो 5 और 5 का स्क्वायर 25, भले माइनस में लिखा हो प्लस में हो जाएगा, -1 - 4 माइनस का 5 फिर से 25 मतलब कितना हो जाएगा 50 को अगर हम फैक्टर के फॉर्म में लिखे तो 50 के फैक्टर जो होंगे वो होंगे 2, 25 और 5 और 5, तो मतलब 5√2, क्योंकि 5 दो बार है तो बाहर आ जाएगा एक बार। अब रेडियस जो है तो डायमीटर आई बच्चों, ये क्या आई है डायमीटर, रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी, तो मतलब 5/2 √2। तो देखिए पहले ये ऑप्शन है कि नहीं है, 5/2 √5 बिल्कुल 5√2 5, हाँ ये सी वाला ऑप्शन सही है 5/2 √2, ये सी बच्चों सही है बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने घुमाया, 5/2 √5 भी लिखा है, 5/2 √2 होगा बच्चों, ठीक है 5/2 √2 सी ऑप्शन, 7th का जो है वो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, राइट है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, 8 थोड़ा सा हल्का सा उन्होंने घुमाया, देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल विथ जीरोस, जीरोस हम लोग को दे रखे हैं, जीरोस जो है वो 5/3 है एंड जीरो है। तो हमें निकालना क्या है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, फॉर्मूला होता है x² - sum of zeros into x into product of zeros, ठीक है हमने शॉर्टकट में लिख दिया बच्चों। तो सम करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 5/3 + 0 × x प्लस प्रोडक्ट करेंगे तो 5/3 × 0, ठीक है। तो बताइए x² - 5/3 x और प्लस ये कितना जाएगा 0, तो आंसर जाएगा x² - 5/3 x, ठीक है ये है ऑप्शन में x² - 5/3 x। तो सी तो सही नहीं है, सी बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें x नहीं लिखा हुआ बच्चों, डी भी नहीं हो सकता है और बचा ए और ये बी, ये ऑप्शन कहीं भी नहीं लिखा है। अब बच्चे फंस गए इसी में, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा ये दोनों घुमाया क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दिखा लिख नहीं रहा,
अगर मैं देखूं इसी में 3 का इंटू कर दूं, तो 3 का इंटू करने के बाद यह बनता है 3x² माइनस का 5x। लेकिन ऐसा भी कहीं नहीं है, क्योंकि पहला ऑप्शन जो लिखा है वो कुछ ऐसा लिखा है 3x और 3x माइनस 5, तो 3 3 9x² माइनस 3 5 15x। और देखा जाए तो जैसे आपने 3 का इंटू किया तो फिर 3 का इंटू कर दीजिए, तो 3 3 9 और 3 5 15x। तो क्या दिख रहा सेम टू सेम? यस। तो इसका 8th का जो सही है वो कौन सही है बच्चों? ए नंबर सही है। ठीक है, समझ में आ गया ना? बाकी क्यों नहीं सही? अच्छा देख लीजिए बाकी क्यों नहीं सही। अच्छा जैसे 3x लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है x माइनस 5, इसलिए गलत है कि 3x² सही है, लेकिन ये 3 5 15x है। तो यहाँ पे तो 3 लिखा है लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 15। तो अगर यहाँ पे 3x² और 5 लिखा हो तो फिर ये सही हो जाता बच्चों, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है। इसी प्रकार से 4th तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि x² माइनस 5/3x होना चाहिए, तो x² माइनस 5/3 लिखा ओनली। बहुत ही बच्चे इस पर टिक करके आएंगे, मैं बता रहा हूँ, बहुत से बच्चों ने सी पर टिक किया होगा। ठीक है, और डी तो बिल्कुल ही गलत है, 5/3x² होना संभव ही नहीं बच्चों यहाँ पे। तो सही कौन सा है बच्चों इसमें? फर्स्ट ऑप्शन जो है 3x(3x-5a) जो ऑप्शन लिखा है, लिखा क्या है 3 3 9x² 3 5 15x। ये क्योंकि ये लिखा है इसमें 3 का इंटू कर देंगे तो ये बन जाएगा, या फिर इसमें आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो जो 8th नंबर है उसका सही जो है वो ए नंबर है। ठीक है, अच्छा 9 नंबर देख लीजिए। 9 नंबर तो सिंपल है, इसी में बना देते हैं, यहीं पे देख लीजिए 9 नंबर। ये बना हुआ है ग्राफ इस प्रकार से कुछ y, ये मैंने कहा था ये आएगा बच्चों पक्का। y इक्वल टू क्या लिखा है px, तो नंबर ऑफ जीरोस पूछा, तो नंबर ऑफ जीरोस एक जगह टच कर रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे एक ही जीरोस होंगे इसके बच्चों, राइट है, एक जगह टच कर रहा है। ठीक है, x और y अपनी जगह है, सही है, और y इक्वल टू px मतलब x के लिए पूछा, तो x एक जगह टच कर रहा है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा जीरोस होंगे वो सिर्फ 1 जीरोस होंगे, राइट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 भी थोड़ा सा घुमाया है इन्होंने। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन kx इज इक्वल टू वाई प्लस 2 6x इज इक्वल टू 2y प्लस 3 हैज इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन। अच्छा, इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन कंडीशन क्या होती है बच्चों? a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon c2, पहले तीनों इक्वल होने चाहिए ना। तो ये दे रखा k की वैल्यू फाइंड करने, तो k अपॉन 6, ये 1 upon 2, ये 2 upon 3, भाई a1 a2 जो x का होता है, ठीक है, और y का जो b1 b2 हो गया, तो यहाँ 1 और यहाँ 2, और c1 c2 मतलब जो कांस्टेंट होते हैं 2 3। तो आप देखिए, ये देखिए दोनों, ये तो नहीं कि पहले एक बार ये लेंगे फिर एक बार ये लेंगे, दो दो आंसर के ना, जब यही दोनों इक्वल नहीं है तो k की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे k की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, और ये ऑप्शन में होना ही चाहिए बच्चों, अगर नहीं है तो फिर तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट दे रखा है बच्चों, 3 दे रखा है, -3 दे रखा है, 4 दे रखा है, साथ में बी ऑप्शन जो है डज नॉट एग्जिस्ट दे रखा है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 10 का बच्चों। इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा बच्चे, हमें लगता है कहीं ना सॉल्व कर दिया और 2 3 6 के इक्वल टू 3 आ गया हूँ, 3 बिल्कुल रॉन्ग है, -3 भी रॉन्ग है, 4 भी रॉन्ग है, डज नॉट एग्जिस्ट इसका आंसर आएगा। ठीक है, सेट नंबर 2 में आया हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों 10 नंबर, और साथ में जो 8वां क्वेश्चन आया था वो भी जबरदस्त क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन भी तगड़ा है बच्चों, देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 इसलिए बच्चों अच्छा है कि बहुत बच्चों ने इसमें जीरो टिक कर दिया होगा, तो जीरो जबकि होगा भी नहीं। देखिए, इफ ABC फॉर्म एन AP, ABC क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चों? AP फॉर्म कर रहे हैं विद अ कॉमन डिफरेंस, ये बहुत अलग चीज दे दी इन्होंने, कॉमन डिफरेंस अगर ना देते तो कुछ क्वेश्चन में और बन सकता था, लेकिन उन्होंने कॉमन डिफरेंस देके ही बड़ा दिक्कत कर दिया। तो बताइए, ए तो जैसे मान लीजिए ए है, अब ये जो होगा वो ए प्लस डी होगा ना, जो बी होगा वो क्या होगा ए प्लस डी, और सी जो होगा वो क्या होगा ए प्लस 2d, भाई कॉमन डिफरेंस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लग रहा कि जो ऑप्शन दिए हैं उसमें ए और डी में आंसर आ रहे हैं, ए और डी में आ रहे, तो हमें पूरा क्वेश्चन ए और डी में ही कर दिया, मतलब बी की वैल्यू क्या है ए प्लस डी, सी की वैल्यू क्या है ए प्लस 2d, है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस 2b और माइनस का सी, रख दीजिए ए की जगह ए, 2 की जगह 2, बी की जगह ए प्लस डी, सी की जगह ए प्लस 2d। अब भाई ए की जगह ए, माइनस 2a, माइनस का 2d, माइनस का a और माइनस का 2d,
भाई ए से ए वाला कट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2a माइनस 2d माइनस 2d कितना हो जाएगा, माइनस का 4d। मतलब कि माइनस 2a माइनस 4d सी ऑप्शन सही है इसका, नॉट टू बी, बी सही नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 11 का, सही कौन सा है बच्चों, सी ऑप्शन सही है, 2a माइनस 2a माइनस का 4d। ठीक है, बहुत बच्चों ने इसमें जीरो टिक किया है, मेरे बच्चों ने, बहुत बच्चों ने टिक किया होगा। ठीक है, तो ये गलती हो गई बच्चों, इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ऐसे ही हो जाएगा, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 3 देन द मीन ऑफ द डाटा। देखो अगर हम लोग मीन में कुछ भी इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो वही चीज मीन में भी होता है। तो मीन में अगर हमने ऑब्जर्वेशन में 3-3 बढ़ाए हैं तो मीन भी क्या हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। तो मीन क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाई 3। तो इसका बी ऑप्शन सही है, 12th का कौन सा है, बी। क्योंकि मीन कहा इन्होंने कि ईच ऑब्जर्वेशन जो है स्टैटिस्टिकल का उसको 3 इंक्रीज किया है, तो उसी प्रकार से मीन भी हो जाएगा, वो भी 3 इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट डिनोटेड बाई पी, मतलब पी होने के इवेंट होने के मतलब प्रोबेबिलिटी है, और क्यू जो है डिनोट क्या है, नॉन हैपनिंग। तो पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई, है ना। मालूम होगा आप लोगों कि बच्चों हैपनिंग और प्लस नॉट हैपनिंग जो होता है वो प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या होगा, 1। तो पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज राइट आंसर। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा, अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08। मतलब प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसकी जीतने की, फर्स्ट प्राइज जीतने की 0.08। इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, कितने टोटल टिकट सोल्ड हुए बच्चों, टोटल टिकट जो है वो 6000 सोल्ड हुए, तो इसकी क्या उसने कितने टिकट खरीदे हैं। देखो जो हमने मान लिया उसने x टिकट खरीदे हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन में टोटल नंबर 6000 टोटल थे, और कितनी प्रोबेबिलिटी है 0.08 इज इक्वल टू x अपॉन 6000। यहाँ पे जीरो उठा लीजिएगा, कितने जीरो बढ़ेंगे, 2, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं, 2 बढ़ेंगे, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, क्रॉस कर दीजिए 8 × 60, 8 = 480, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा इसका बच्चों, राइट है। तो 480, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, सी, उसने 480 टिकट खरीदे हैं, कितने में से, 6000 में से बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है, जल्दबाजी में लिख गया बच्चों, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये तो इजी है यार, बहुत इजी, अल्फा बीटा एलसीएम लिया, तो बीटा प्लस अल्फा, और बीटा प्लस अल्फा मतलब सम ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ जीरोस होता है कॉफिशियंट, माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स, मतलब माइनस बी बाई ए होता है, बी मतलब यहाँ 1 और ए भी 1, मतलब माइनस 1 अपॉन 1, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन 1, तो सी क्या है, माइनस 1 अपॉन 1, ये कट जाएगा तो मतलब माइनस 1 कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन इज ए इज राइट बच्चों। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों, देख के ही कर सकते हो। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 16 फिर से बताने वाला क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा हल्का सा इसमें भी फंसने वाला क्वेश्चन, बहुत बच्चे इसमें भी पक्का ना पक्का फंसे ही होंगे। ठीक है, तो देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो 15 का सही कौन सा बच्चों, 15th का ए सही है, 15th का ए नंबर इज राइट। ठीक है, 16 नंबर में लिखा था लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, समझिए लीस्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पूछ रहा है कि ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर कौन सा 16, तो 2x स्क्वायर प्लस का kx माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 हैज अ रैशनल रूट। देखिए रैशनल रूट होने के लिए ना, ये ध्यान रखिए, रैशनल रूट होने के लिए जो d निकालते हैं, d की जो वैल्यू आती है वो कोई परफेक्ट स्क्वायर आनी चाहिए, जैसे कि 4, 9, 1, 36, 25, 49, ऐसे मतलब आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर इनको बोलते हैं, ये आना चाहिए बच्चों। तो पहले d निकाल के यहाँ चेक करिए आ कितना रहा है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी की जगह बच्चों के, ठीक है, सिंपल के स्क्वायर 4 × a की जगह 2, सी की जगह माइनस 4, तो के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये 4 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। ठीक है, अब के स्क्वायर क्या रखें, इसे 1 रखेंगे, है ना, पॉजिटिव बोल रहा बच्चों, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 32 + 1 = 33 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा,
टू रखेंगे तो टू का स्क्वायर कितना होता है फोर, और 32 में फोर ऐड करेंगे तो कितना होगा 36। तो टू यहां पर ऑप्शन में सही है कि टू होना चाहिए, तभी तो यहां फोर आएगा, और फोर आएगा तो कितना आएगा 36, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तभी रैशनल रूट हो पाएगा। अच्छा यहां पे टू भी हो सकता है, माइनस टू भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन भी दे रखा प्लस माइनस टू, लेकिन उन्होंने लिखा लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो मतलब पॉजिटिव का मतलब है कि सिर्फ प्लस टू सही होगा, माइनस टू सही नहीं होगा यहां पर। ओके, बहुत बच्चों ने जल्दबाजी में प्लस माइनस टू भी लगा दिया है, तो सिर्फ ओनली प्लस टू यहां पे सही होगा। ठीक है, प्लस टू यहां क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू उसने पूछा है बच्चों, तो ओनली टू इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों 17। तो 16 का बच्चों सही कौन सा है, 16 का है बच्चों बी वाला ऑप्शन सही है, 16 का बी ऑप्शन इज राइट, इसमें लिखा है 16 में बी बच्चों टू। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में लिखा है 5/8 sec स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 60 और प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री, सब डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करिए भाई, 60 की वैल्यू क्या होती है, 660 की वैल्यू होती है 2, ओनली 2 का स्क्वायर, 1060 की रूट 3 भाई, वैल्यू याद होनी चाहिए, कॉस 45 की 1/√2 का होल स्क्वायर, 5/8 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/2, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 5/2 माइनस 3 प्लस 1/2, 5/2 1/2 कितना हो जाएगा 6/2 माइनस का 3, दैट मीन्स 3, 3 माइनस 3 दैट मीन्स 0। ठीक है, जीरो आंसर इसका आएगा, जीरो मतलब सी ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा 17 का सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, 17 के बाद 18 दे लीजिए, इसमें बहुत बच्चे ने गलती की है बच्चों, देख लीजिए 18 नंबर भी। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दे रखी है 5 इज 94.2, मतलब सी एस ए जो है वो कितना है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस पूछा, सी एस ए फॉर्मूला क्या होता है 2πRh। ठीक है, 94.2, 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14, ये मैंने नहीं कहा, ये इसने कहा है बुक में, मतलब पेपर में आया 3.14, नहीं तो हम 22.7 रखते हैं यहाँ पे, R पूछ रहा है, H कितना है 5, चलिए देखिए 94.2, आर निकालना है तो क्या करेंगे 94.2 अपॉन में 2 इंटू 3.14 इंटू 5, यहाँ पॉइंट के तो 1 है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 करके यहाँ पॉइंट से पॉइंट क्या कर लीजिए, हटा लीजिए, 314 से 942 कटेगा, देखिए बच्चों 314 इंटू 3 कितना होता है, 34 जा 12, 31 जा 314, 33 जा 9, 942 कट रहा है, कितने टाइम्स 3 टाइम्स, 3 मतलब 30 टाइम्स, तो 30 अपॉन में 5 टू जा 10, 0 कट गया, दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। 3 का मतलब है कि सही है, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी थी हम लोग को, ठीक है, तो हमने 3.14 लगाई है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन रीजन बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम असर्शन रीजन, देखिए बच्चों कैसे करेंगे। पहला बच्चों लिखा है, फिगर दे रखा है हम लोग को, फिगर में बच्चों इसका पूछ रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ ए लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, 2, 3। अच्छा, इसमें इन्होंने एक लाइन लिखी इन द गिवन फिगर, अच्छा हिंदी मीडियम में लिखा है आकृति में, मतलब इन द गिवन फिगर, मतलब फिगर इसी के लिए दे रखा है। द पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज रैशनल, भाई ये 2 है, ये 3 है, तो हाइपोटेंस कितना हो जाएगा बताइए, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है ना भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम से 4 और 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 13, और जब हम लोग पैरीमीटर निकाल लेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 3 प्लस अंडर रूट 13, मतलब 5 प्लस रूट 13, और ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इट इज इरैशनल नंबर, तो जो असर्शन दे रखा है वो रॉन्ग दे रखा है, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल, हाँ ये सही लिखा है कि 2 अगर रैशनल नंबर है और उनका स्क्वायर करके सम कर रहा है तो आंसर जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा बच्चों
है ना, क्योंकि दो रैशनल नंबर हैं, है ना, ये नहीं कि इरेशनल, दो रैशनल नंबर का ये कहा गया है। अगर ये कहा जाता कि नंबर सिंपल रियल नंबर है तो फिर उसका स्क्वायर करने पे ये नहीं कह सकते कि उसका आंसर रैशनल आएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि दो रैशनल हैं और उनको स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो आंसर जो आएगा वो रैशनल ही आएगा बच्चों, राइट है। तो इसमें कौन सही होगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो मतलब डी ऑप्शन सही होगा बच्चों, ठीक है। 19वें का जो ऑप्शन है वो डी वाला सही होगा, ठीक है। अब देख लीजिए 20 नंबर बच्चों क्या है, 20 नंबर में लिखा है पॉइंट पी 0.2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, सही है कि वाई पे इसके इंटरसेक्ट करेगा, या एक्स यहां पे 0 तो वाई यहां पे कितना है 2, अब द लाइन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, चेक करिए यहां पे रख के पॉइंट को, ये 0 हो जाएगा और 2 यहां रखेंगे तो 2 जा कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 4, तो मतलब 4 इक्वल टू 4, तो मतलब सही लिखा है। अब इसका रीजन क्या लिखा है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0.2 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट, अब भाई एक्स एक्सिस का डिस्टेंस तो वहाँ 2 है, बिल्कुल सही है कि 2 यूनिट डिस्टेंस दे रखी है, बट इसका जो स्टेटमेंट का मतलब असर्शन का स्टेटमेंट रीजन दे रखा है वो सही नहीं दे रखा है, क्योंकि इसका रीजन जो एक्चुअली में बनना चाहिए वो बनना चाहिए कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 पर ये पॉइंट जो है प्रेजेंट है, है ना, ये 0.2 जो है इस लाइन पर कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, लाइन पर प्रेजेंट है, तो ये बनना चाहिए रीजन इसका, तो ठीक है। तो इसका क्या होगा, बोथ ए एंड आर मतलब रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, मतलब कि बी ऑप्शन जो है वो राइट है, समझ में आया बच्चों। इसका रीजन सही क्या होगा, रीजन ये होगा द पॉइंट 0.2 इज लाई ऑन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये इसलिए लाई करेगा क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, राइट है ना। तो ये हो गए 20 क्वेश्चन बच्चों। अब बच्चे हम लोग के बच्चों क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा, सेक्शन बी में बच्चों हम लोग के इस टाइप से 25 तक क्वेश्चन है, 121 से लेके 25 तक बच्चों, और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं बच्चों। ऐसा करते हैं बच्चों सेक्शन जो बी सी डी है, अगर बी मैं बी सी और जो बी सी है कल बता दूँ, और डी और ई जो है परसों बता दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी आप लोग जो मैंने बताए हैं MCQ वो सभी मैथ्स करा लीजिए, है ना, कोई दिक्कत हो रही है तो बता दीजिए, कोई क्वेश्चन है भैया कि ये नहीं समझ में आया या दिक्कत हो रही है इसमें, मैंने ये लगाया तो क्यों है, तो वो पूछ सकते हैं। और किसी के और भी क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए अभी मैंने सेट 1 लिया है, सेट 2 लिया है, सेट 1, 3, 4 जो भी हैं, बाकी सेट जितने भी मेरे पास आ सकते हैं उन सेटों को मैं भी कराने का ट्राई करूंगा जरूर बच्चों, ठीक है। तो सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन जो भी हैं भेजते रहें बच्चों, मैं उनको बता दूंगा, ठीक है। जिसके में जो भी क्वेश्चन आए, जो लग रहा कठिन है या उसमें कुछ भी डाउट लग रहा है, तो आप भेज के पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेक्शन बी के साथ बच्चों।